Hi guys, welcome to the vlog of vlogsingh. तो कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। तो यार आज हम आए एयर फोर्स म्यूजियम और मैं उसके पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ। ये अपनी स्कूटी हमने लगा दी है और मतलब अपनी काफ़ी जनता कह रही थी कि यार दिखाओ थोड़ा एयरफोर्स म्यूजियम वगैरह, और मेरा भी मन था कि यार थोड़ा एयरप्लेन वगैरह को पास से देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, थोड़ा सीखा जाए अपनी हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मैं कहा चलो एक बार आई जाते हैं। कौन है आपदा हमारे साथ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। तो हमारे साथ आज जस्सी आया है। अबे भाई कह रहा है मुझे लूज मोशन हो रहा है, क्या हो गया तेरे को? मतलब भाई की हालत ख़राब है, तो आज भाई कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, आज जो करना है हमें करना है। तो यार यहाँ पे टाइम ख़राब कर रहे हैं हम, चलो अंदर निकलते हैं। तो ये यहाँ की एंट्रेंस है, एंट्री करते हैं हमें यहाँ पे अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, उसके बाद फिर हमें अंदर जाना होता है। तो चलो हम अंदर चलते हैं, उसके बाद जाके हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। MIG-23 का कंट्रोल हैंडल है जिससे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, और जितने भी वर्ल्ड वॉर 1 के हीरोज़ हैं ना उनका सबका नाम है। देखो ये लेफ्टिनेंट SG लेट HS मलिक विद कैमल एयरक्राफ्ट, उनका एयरक्राफ्ट उनके साथ है। बाकी की हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एयरक्राफ्ट की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये भी वही है लेट HS मलिक विद लॉर्ड डैश ब्रश, तो उनके साथ ही पूरी फोटोज़ बनी हुई हैं। तो ये जो आप देख रहे हो IAF गोल्डन जुबली कैप्सूल है, मुझे नहीं पता क्या है, बाकी की हिस्ट्री आप नीचे देख सकते हो। ये सब जैसे आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड वॉर 2 की सारी मेमोरीज़ हैं जो कि सारी इधर मतलब एक टाइप फ़ोटोज़ के अंदर कैप्चर करके डाली हुई हैं, रखी हुई हैं। तो जितने भी हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज़ हैं ना, मतलब सारे यहाँ पे। तो सबको हैट्स ऑफ है यार, मतलब यार अपने वर्ल्ड अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर जाना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे पूरी गैलरी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। बट उससे पहले मुझे ये देखो कुछ मतलब यूनिफॉर्म्स दिखी हैं जो कि यूज द वॉर में, ये देखो। और ये सारी यूनिफॉर्म्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और अब मैं बाहर की तरफ, पहले तो यार ये देखो यहाँ पे ट्रॉफीज़ और मेडल्स वगैरह भी हैं कितने सारे। अगर ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि अपने पास थोड़ा कम टाइम है तो हम ज़्यादा कवर कर नहीं पाएंगे। और नाम क्या सर आपका? अरविंद कुमार से बनाया। तो अब मुझे आप बता दो यार, इतने सारे प्लेन्स रखे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। और पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई फ्रेम में कितने प्लेन्स आ सकते हैं भाई। तो ये देखो ये 50-60 के आसपास में आते रहते हैं ना। हाँ आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जाते रहते। तो मतलब कुछ इसके पीछे भी एक हैंगर है ना, उसमें भी रखे हुए हैं, उसकी भी अभी गिनती नहीं। तो चलो मैं आपको ना मतलब एक जगह से कहीं से स्टार्टिंग पकड़ते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करके आपको जितने हो सकेंगे उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो वहीं चलते हैं। तो यार ये वाला अगर आप देख रहे हो तो इसकी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी है, इसका नाम पैकेट है और इसका ओरिजिन जो है वो USA का है। इसकी मैक्स स्पीड कुछ 476 किलोमीटर पर आज के हिसाब की है, और 24,000 की हाइट पर, ये फीट की हाइट पर उड़ सकता है। और इसकी जो रेंज है वो है 3-18 किलोमीटर की। और ये जो है ना, ये देखो 1953 से लेकर 1986 तक सर्विस में रहा है। और इसका साइज़ देखो यार पहले कितना बड़ा भाई, का ओरिजिन जो वो यूक्रेन का है। और ये जो है ना मतलब एक फ्रेट पैराट्रूपर प्लेन है, बॉम्बिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी कैपेसिटी जो मतलब 90 सोल्जर्स को, ट्रूप्स को लेकर चल सकती है। इसकी मैक्स स्पीड 777 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसकी रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छी, 3600 किलोमीटर की रेंज है और 33,500 की हाइट पर उड़ सकता है, और 61 से 93 के बीच में सर्विस में रहा। तो अभिनंदन वाला प्लेन भी भाई यहाँ पे खड़ा है, ये देखो। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं। ये MIG-21 है ये, तो ये रही इसकी हिस्ट्री MIG-21। और ये भी मतलब सिंगल सीट फाइटर प्लेन है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है मतलब 2070 किलोमीटर पर आर की है। और बाकी की डिटेल्स इस पर लिखी हुई है, मैं आपको प्लेन दिखा देता हूँ भाई। तो ये है सुखोई SU-7, और ये देखो USSR में बना हुआ है, 1968 से 86 तक ये सर्विस में रहा है। बाकी की डिटेल्स इस पर लिखी हुई है, और एयरक्राफ्ट देख लो एक बारी। और ये वाला देखो, ये जो है मतलब टेल पोर्शन ऑफ सुखोई है, उसकी टेल पोर्शन है। हाँ, और बाकी की डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई है। और ये डैमेज हो चुका है पाकिस्तान की एंटी फायर की वजह से, तो वो देखो पीछे से डैमेज हो रखा है और काफ़ी ख़राब कंडीशन में, बट इसको पेंट करके अच्छे से इसके अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। तो
तो ये देखो वहाँ पे थी MK2A, इसकी जो UK के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग है और 1933 से 42 के अंदर ये जो है सर्विस में रहा। और एयरक्राफ्ट एक बार देख लो यार, तुम्हारा भाई ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं इन चीज़ों के बारे में, बट जितना कुछ इनके ऊपर डिटेल्स दिए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। तो कोई जजमत करना कि भाई यहाँ पे गलत हो, अगर गलत हो तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर देना ताकि मैं उसको कैसे ना कैसे इन वीडियोज़ में आगे जाके मतलब कर सकूँ करेक्ट। और कोई हम पायलट वगैरह तो है नहीं ना जो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जाने, बट फिर भी अपनी ऑडियंस को मुझे दिखाना था। और ये देखो लाइसेंडर MK2, मतलब इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं ना यार जो एयरक्राफ्ट लवर हैं। TMK3 इस पर UK का मतलब मैन्युफैक्चरर, 1948 से 59 में सर्विस में था। ये एक जेट फाइटर प्लेन है, इसकी हिस्ट्री सारी यहाँ पे लिखी हुई है, फोलैंड जी नेट, और ये UK में बना फोलैंड के अंदर। बाकी की इसकी डिटेल्स हमें लिखी हुई है थोड़ी बता देता हूँ, 58 से 91 के अंदर सर्विस में रहा है ये भी, और इसकी भी 695 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और यार प्लेन देखो कितना मस्त है। और इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं भाई, लेकिन इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है निर्मल जीत सिंह सेखो है यार, अब कौन नहीं जानता इनको यार। तो देखो भाई फोर्ड सैलून कार, ये देखो ये मतलब अलग ही अट्रैक्शन है। इसका नंबर देखो IAF1, और फोर्ड कार है जो कि 1967 का मॉडल है, और USA की कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था जो कि इंडिया को दी गई थी 1969 30 जुलाई को। और इसकी बाकी सारी की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको भी एकदम मतलब यार क्लीन करके अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये मिसाइल लॉन्चर, इसके अंदर 12 मिसाइल आ जाती हैं, और सरफेस एयर मिसाइल है जो कि लैंड के ऊपर करी जाती हैं सारी मिसाइल। बाकी अब जो सबसे मेन चीज़ है ना जो हम देखने आए थे वो ये थे कि जब इंडो पाक वॉर हुई तो उसके अंदर जितने भी मतलब प्लेन्स क्रैश हुए, हमने इंडिया वालों ने जितने भी पाकिस्तान के प्लेन्स को क्रैश किया और उनके जो मतलब अवशेष थे टाइप ऑफ उनकी जो रेमनेंट्स थे वो कहाँ, तो ये रहे भाई। तो ये मतलब इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, बस इतना बताया कि ये वही प्लेन्स हैं जो कि 1971 इंडो पाक वॉर में इकट्ठे किए गए थे। प्लेन्स भी हैं कार्स भी हैं। तो ये देखो प्लेन की मतलब जो साइड विंग्स होते हैं, तो वो जो आप पीछे देख रहे हो मतलब ये टैंक है, टैंकर है जो कि अपना इंडो पाक वॉर के अंदर किए गए थे। और मतलब ये जितने भी पीछे यूज़ किए गए ना ये सारे तब के हैं जब मतलब पाकिस्तान इंडिया पे नज़र रख रहा था कि मतलब वो क्या कर रहे हैं। बाकी मतलब देखो सब कुछ इधर बोर्ड पे मेंशन है। और ये देखो पहले इस टाइप की आर्मी कार्स हुआ करती थी और इस टाइप के मिसाइल्स हुआ करते थे जो कि मतलब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं देखो। और अब की टेक्नोलॉजी में और इनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सा फ़र्क है। और अब इसके बारे में बात करते हैं, S-55 मतलब हेलीकॉप्टर टाइप है यार ये। और अगर इसके बारे में बात करें है क्या चीज़, तो देखो ये USA के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है, और ये मतलब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसका 800 हॉर्स पावर का इंजन है भाई, और लुक मतलब दिल आ जाता है यार कि एक बार ही फ्लाई करना है। और कुछ टाइम भाई बाद मतलब तुम्हारा भाई फ्लाई करेगा, प्लेन में नहीं करेगा अलग से फ्लाई करेगा। बात करते हैं कि अभी एंट्री वगैरह कैसे होगी हमारी, तो वो ऐसे कि हमें सिर्फ अपनी एक आईडी दिखानी है, आईडी के बाद हमें जाके अंदर अपनी मतलब एंट्री करने की, हमारी एंट्री हुई उसके बाद एंटर करते ही गैलरी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर मतलब सबसे अच्छी बात की टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कैफेटेरिया अवेलेबल है, और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, नेचुरल मतलब नेचर के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। और मतलब आवाज़ें इतनी अच्छी आ रही है ना यहाँ पे, मतलब कोयल गा रही हैं, गिलहरियाँ घूम रही हैं, मज़ा आया था यार। ये देखो यार चीफ की वर्दी, उनका नाम था N. Brown, मार्शल NAK Brown। और ये देखो सारे एयरक्राफ्ट और ये सारी ट्रॉफीज, अर्जुन सिंह DFC, तो हैट्स ऑफ यार सर को। और इनके बारे में सारी हिस्ट्री, इनकी कुछ फोटोज, तो इनके बारे में यहाँ पे कोई सफिशिएंट तो नहीं लिखा हुआ, अगर आप चाहो तो आप चाहो तो मतलब गूगल पे लिखना अर्जन सिंह DFC, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और ये इन्हीं के कपड़े हैं, कपड़े इनका सारा सामान है। तो यार देखो मतलब कितना है लकी है ना, हम इतनी पास से इनको देख पा रहे हैं, फाइव स्टार इनके थे वाले किसी के अभी तक के, इन्हीं के सिर्फ फाइव स्टार थे यार, देखो मतलब कितनी रिस्पेक्ट वाली बात है। और ये देखो इनके मेडल्स, मेडल्स कितने सारे हैं, और इनकी बेल्ट, और इनके मतलब ये देखो जो नेम प्लेट होती है, और यूनिफॉर्म कड़ा भी है इनका, कड़ा भी रखा है यार, ये भी उन्हीं की यूनिफॉर्म है। किनका? हेलमेट पायलट का,
तो इस टाइप का कुछ हेलमेट होता है यार। और ये देखो ये फेस डिटेक्ट कर रहा है अपना कैमरा, इसको मतलब काफ़ी अच्छा है यार। और ये चीज़ देखने के ना अलग ही मज़ा आता है, सच बताऊँ, सच बता रहा हूँ। तुम्हारे भाई को हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जब मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बात करने पे आता हूँ ना, तो मतलब मैं पूरा घुस जाता हूँ। मुझे जानने की मतलब फिर क्या पता नहीं क्यों होता है, जब मैं बुक से पढ़ता था तब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ले के सीखना स्टार्ट करा है ना, तो अलग ही मतलब एक नॉलेज मिलती है। और जब इनको सामने से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके स्कूल में है तो प्लीज़ टीचर्स को आइडिया दिया करो कि मैम रेदर देन हमें बुक से पढ़ाया जाए, हमें आप जो है कि आके कहीं पर प्रैक्टिकल जगह पर या ऐसी आउटिंग करवाओ। थोड़ी मतलब जिद करो टीचर्स वगैरह को, स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ्स को, कि आउटिंग पे ऐसी जगह लेके जाया जाए, पिकनिक नहीं कह रहा, जहाँ पे कुछ नॉलेज मिले, ताकि हम उसको जाके आगे अपने एग्ज़ाम वगैरह में या अपनी जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकें। और ये देखो SQNLDR राकेश शर्मा ड्यूरिंग ISTSF मिशन, तो उनकी ये कुछ ड्रेस है, मतलब परफेक्ट हेरिटेज साइट है भाई, रियली दिल से परफेक्ट हेरिटेज साइट है। एक बार ना फैमिली को लेके आओ, आराम से आना, 10 बजे आना सुबह, ये मैं कहता हूँ 10 बजे आना सुबह, और आराम से 3-4 बजे तक ना एक एक चीज़ की हिस्ट्री पढ़ना, तब जाना यहाँ से। बिना हिस्ट्री पढ़े मत जाना, जैसे कि मैं गलती कर रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, भैया मेरे को जो है अच्छे से बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था आज के डे पे कि मैं आपको बता पाऊँ। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि अपना थर्सडे वाला व्लॉग स्किप हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन हो रखी थी अपने साथ कि मैं नहीं डाल पाया। और ये सारे कैमराज है यार, कैमरा लवर के लिए देखो, मतलब कितने ओल्ड टाइप के कैमराज है यार। और ये मतलब नॉर्मल कैमराज नहीं है, इनको गन कैमरा कहा जाता है। तो अभी अंदर से हम पूरा घूम के आ चुके हैं, बाहर निकले हैं, और बाहर आते ही हम पानी वानी पी रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। बट आज के व्लॉग में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कवर कर रहा, सिर्फ एयरफोर्स म्यूजियम के लिए आए थे और आपको एयरफोर्स म्यूजियम हमने दिखा दिया। बताना कैसा लगा व्लॉग, और मैं यहीं पे व्लॉग का भी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें कुछ आज करना भी नहीं है। और एक बारी फिर से माफ़ी चाहता हूँ, थर्सडे वाला व्लॉग स्किप हो गया, बट मंडे वाला व्लॉग ऑन टाइम होगा, ट्यूसडे वाला व्लॉग सॉरी ऑन टाइम होगा। और चलो बता देना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना। और बताना तुम्हारे भाई को कि क्या गलती रहेगी जो उसको आगे जाके इम्प्रूव किया जाए। और ना एक हेल्प तुम्हारे भाई की तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि आप बता देना कि आगे मतलब कौन सा व्लॉग बनाया जाए, कुछ ऐसा आइडिया जो कि नया हो, ताकि उसको व्लॉग के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। और चलो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और भाई को कोई बातचीत करनी हो तो इंस्टाग्राम यूजर नेम आ रहा है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।